एक प्रार्थना सीखा था, याद है ना? प्रार्थना के महत्व के बारे में चर्चा किया। Have you done your homework? Okay, अच्छा। तो आज हम दूसरा पार्ट मेरा स्कूल सीखे। पार्ट का नाम क्या है? मेरा स्कूल। स्कूल के बारे में पढ़े। बच्चों के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या करने वाली संस्था है स्कूल। बच्चों के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या करने वाली संस्था है स्कूल। ओके, नम स्कूल अच्छा स्कूल മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും അനുസരണം പഠിക്കുന്നതും എല്ലാ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലേ? എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നല്ല പൗരന്മാരായി വളരുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കും നല്ല പൗരന്മാരായി വളരണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പേജ് നമ്പർ 2. പാഠ ക നാം ഹേ मेरा स्कूल, माय स्कूल। चित्र देखिए, चित्र में कौन कौन है? चित्र में एक स्कूल है, स्कूल के आंगन में बच्चे हैं, प्रधान अध्यापिका और अध्यापिका है। ओके, ध्यान से देखिए। पाठ वाचन करें, मेरे साथ पढ़िए। पाठ प्रवेश, इंट्रोडक्शन। स्कूल बच्चों के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या प्रदान करने वाली संस्था है, जो बच्चों को स्वावलंबी और अच्छा नागरिक बनाती है। स्कूल बच्चों के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या प्रदान करने वाली संस्था है, जो बच्चों के स्वावलंबी और अच्छा नागरिक बनाती है। मेरा स्कूल चेन्नई शहर में है। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। लड़के लड़कियां सब साथ साथ पढ़ते हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका स्कूल आरंभ होने से पहले सुबह प्रार्थना सभा में आती है। हम सब उनके साथ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वे बच्चों को रोज की मुख्य बातें या समाचार बताती है। राष्ट्रगान खाने के बाद वे हम सबको अपने अपने कक्षा में जाने की आज्ञा देती है। हम सब अपनी कक्षा में जाकर सबसे पहले अपनी कक्षा अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। इसके बाद हर कालांश में अध्यापिका कक्षा में आकर अपने अपने विषय की शिक्षा देती है। हम सब अपनी कक्षाओं में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पाठ को ध्यान से सुनकर याद करते हैं। विद्यालय में हमें घर के लिए जो भी गृहकार्य दिया जाता है उसे हम घर जाकर पूरा करते हैं। ओके, एक बार भी पढ़िए। मेरा स्कूल चेन्नई शहर में है। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। लड़के लड़कियां सब साथ साथ पढ़ते हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका स्कूल आरंभ होने से पहले सुबह प्रार्थना सभा में आती है। हम सब उनके साथ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वे बच्चों को रोज की मुख्य बातों या समाचार बताती है। राष्ट्रगान गाने के बाद वे हम सबको अपनी अपनी कक्षा में जाने की आज्ञा देती है। दूसरा पैरा देखो। हम सब अपनी कक्षा में जाकर सबसे पहले अपनी कक्षा अध्यापिका को नमस्कार करते हैं।
इसके बाद हर कालांश में अध्यापिका कक्षा में आकर अपने अपने विषय की शिक्षा देती है। हम सब अपनी कक्षाओं में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पाठ को ध्यान से सुनकर याद करते हैं। विद्यालय में हम घर के लिए जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे हम घर जाकर पूरा करते हैं। ओके നല്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു തരണം. ഓക്കേ.